हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फेस पैक बनाना बताऊंगी जिसके यूज़ करते ही आपकी डल स्किन इंस्टेंटली ब्राइट और ग्लोइंग हो जाएगी और आपके डार्क स्पॉट्स और ब्लेमिशेस भी काफ़ी कम हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने का तरीका है, सबसे पहले हम लेंगे चंदन पाउडर। 1 से 2 चम्मच आप चंदन पाउडर ले सकते हैं। जो चंदन पाउडर होता है उसमें एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे चेहरे पर व्रिंकल्स ना आए इसमें काफ़ी मदद करती हैं। यह एक एंटी एजिंग एजेंट का भी काम करती हैं। जो चंदन पाउडर होता है वो एक नेचुरल स्किन लाइटनिंग एजेंट भी होता है। तो आप इसे जैसे जैसे यूज़ करेंगे आप महसूस करेंगे आपकी स्किन का कलर लाइट हो रहा है। चंदन हमारे चेहरे पर सूथिंग और कार्मिंग इफेक्ट भी देता है, ये इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है जिसकी वजह से कई बार हमें एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। ये हमारी स्किन को बेदाग बनाकर चेहरे को काफ़ी इवन स्किन टोन देता है और उसको काफ़ी ग्लोइंग बनाता है। और इसके बाद हम फ्रेंड लेंगे दही। दही जो होता है इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो कि एक नेचुरल अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है जो कि हमारी कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में सहायता करता है। ये एक स्किन मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। ये हमारी धीरे धीरे फाइन लाइन्स को, एक्ने को, ब्लेमिशेस को, पिगमेंटेशन को चेहरे से बिल्कुल हटा देता है और ये डार्क सर्कल में भी काफ़ी कम करता है। अगर हमारे स्किन पे कोई तरीके का इन्फेक्शन है वो भी ये कम करता है। तो दही हमें फ्रेंड्स हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर लें जिससे आपको मेरी और वीडियो धीरे धीरे पता चलती रहे। सो फ्रेंड, दही के बाद हम जो लेंगे वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो होता है वो हर तरीके के स्किन टोन के लिए अच्छा होता है और एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स होते हैं और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, कूलिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है या जो उस तरीके भी आपकी स्किन है, आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। यह हमारी स्किन प्रॉब्लम को ख़त्म करता है, यह हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और उसे ग्लोइंग बनाता है। तो आप कई बार फेस पैक लगाने के बाद भी आप अच्छे से एलोवेरा जेल अपने चेहरे पर यूज़ कर सकते हैं। तो एलोवेरा जेल हर तरीके की स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। तो अभी से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक अच्छे फेस पैक की तरह तैयार करेंगे। फ्रेंड, अब हम मिलाएंगे इसमें गुलाबरी यानी कि रोज़ वाटर। जो रोज़ वाटर होता है वो हमारे स्किन में जो पीएच लेवल होता है उसको मेंटेन रखता है जिससे हमारी स्किन में किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन से उसको बचाता है और जिसे आप डेली में भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप कहीं मार्केट जाते हैं और वहाँ से आते हैं तो आप उससे क्लीन कर सकते हैं अपने फेस को। ये हमारे स्किन नए टिश्यू को बनाता है और इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। सो फ्रेंड, अब इससे हम अच्छा सा एक पेस्ट तैयार कर लेंगे और फिर उसके बाद हम उसे अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे। आपको पूरे चेहरे पे अच्छे से नेक एरिया, पूरे फेस पे अप्लाई करना, आईज़ और माउथ एरिया को छोड़ के इसे इवनली पूरे फेस पे यूज़ कर लेंगे। और आप फर्स्ट में ही बार में ही देखेंगे कि आपके चेहरे में कितना ग्लो आ गया है। 10 से 15 मिनट वेट करके देखेंगे, जब वो सूख जाए तब हम उसे नॉर्मल वाटर से धो लेंगे। तो फ्रेंड, आप देखेंगे आपके चेहरे पे इंस्टेंटली ग्लो आ गया है, आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट और ग्लोइंग महसूस हुई है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, टेक केयर, गुड बाय।